नमस्कार, लाइफ सीरीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात भगवान शनि देव की। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अनुसार नव ग्रहों में शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिसे न्याय का देवता कहा जाता है। साथ ही इसे क्रूर ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है। बता दें कि शनि की चाल किसी भी जातक के जीवन में उथल पुथल ला सकती है। शनि देव किसी भी जातक की कुंडली में अगर नीची हो तो उनकी अंतरदशा या महादशा चल रही हो, या फिर जातक के जीवन में शनि की साढ़े साती या फिर ढैया का प्रभाव हो, तो ऐसे में उस जातक को बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि आपका विचार जैसा होगा उसके हिसाब से ही भगवान शनि आपको फल देते हैं और इसका असर जीवन में नकारात्मक या सकारात्मक दोनों ही हो सकता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको शनि देव से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं। बता दें कि न्याय के देवता शनि देव की दृष्टि अन्याय करने वालों पर हमेशा रहती है। वैसे जातकों को भगवान शनि दंड देने से कतई पीछे नहीं हटते, जो हमेशा गरीबों, महिलाओं या फिर असहाय को सताते हैं। वही आपको बताएं कि जो लोग न्याय प्रिय लोग होते हैं या फिर सेवा भाव से काम करते हैं, कर्मठ और ईमानदार होते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि शनि से पीड़ित व्यक्तियों को किस तरह के आचरण से बचना चाहिए और किन लोगों पर शनिदेव की टेढ़ी नजर पड़ सकती है। वैसे भी शनि देव के बारे में कहा जाता है कि जो लोग बेसहारा, बुजुर्ग, गरीब और महिलाओं को परेशान करते हैं उन्हें वह सताते हैं। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उन पर हमेशा शनि देव की टेढ़ी नजर रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। शनि देव की वक्र दृष्टि से बचना बेहद ही मुश्किल है। ऐसे जातकों पर नौकरी में परेशानी आती है, घर परिवार में कलह कलेश बना रहता है। जो लोग जानवरों को परेशान करते हैं उन पर भी शनि देव अपनी बुरी नजर बनाए रखते हैं। ऐसे में अगर शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो जानवरों, पशु पक्षियों को परेशान बिल्कुल भी ना करें। बता दें कि शनि की ढैया या साढ़ी साती चल रही हो या तो ऐसे लोगों पर भी उनकी वक्र स्थिति बनी रहती है। ऐसे में शनिवार को शनि देव की पूजा और उन्हें तेल अर्पित कर बेहद जरूरी होता है। वही जिनकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, ऐसे जातकों को भी शनि के कोपभाजन बनने से बचना चाहिए और अपना आचरण को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। ऐसे लोगों को दुराचार, अत्याचार और नशे के सेवन से भी बचना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।